उसका डबल डेरिवेटिव नहीं था लेना, उसका सिंगल लेना था। ओके सही है, फिर ठीक है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। सर आवाज बहुत कम आ रही है। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा किरण, कल जो है ना, कल रिवीजन होगी तो फिर आपको उसमें समझ आ जाएगी। प्रैक्टिकल तो वैसे भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया है ना? यस सर। अभी प्रैक्टिकल्स आपके सारे हो गए और मे बी 24 से कि कब से आपका वायवा स्टार्ट होंगे ना? 22 से। हाँ, तो मतलब ये कि जो नेक्स्ट वीक है वो लास्ट वीक ही होगा आपका ना क्लासेस का। तो कल जो है ना, कल रिवीजन होगी और आप में से किसी से भी मैं रिवीजन के लिए कह सकता हूँ, तो तैयारी आप कर ले। जो लास्ट वीक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, लास्ट वीक नहीं इस वीक जो है, ठीक है ना, ये सब आपने रिपीट करना है। फिर वैसे भी प्रैक्टिकल तो वैसे कोई है भी नहीं, तो मतलब ये कि फिर उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। और आपकी क्लास कब से कब तक है कल जो है फिजिक्स की? सर 9 से 11। सर जी अभी जो लास्ट प्रैक्टिकल है उसे डिस्कस करना नहीं है? नहीं, उसके डिस्कस वो वीडियो मैंने आपको सेंड की थी ना, तो उसकी डिस्कशन की मेरे ख्याल में तो जरूरत नहीं है। जी सर। जी सर। आपने तो मास स्प्रिंग सिस्टम की इतनी थ्योरी पढ़ ली कि आपने आज तक इतनी नहीं पढ़ी होगी। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। रिपीट कर दे क्या क्या है आपने। अभी आवाज आपको आ रही है? अच्छा, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि जो मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में आपने तो बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ ली ना। जी सर। और किरण आपने कहा हुआ है तो कल जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है किरण? ओके सर। हाँ, किरण अच्छी स्टूडेंट है तो पढ़ती भी है। आप में से कोई और पढ़ता भी है कि नहीं? जहाँ तक किया है वो किसी ने पढ़ा है? जी पढ़ते हैं। जी सर पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे फोर्स ऑसिलेशंस के बारे में, फोर्स ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस। अच्छा, अभी हम जो डील कर रहे थे, अगर आपने देखा हो तो हम नेचुरल ऑसिलेशंस किसी भी बॉडी के वो कर रहे थे ना, कि हम सिर्फ जो है नेचुरल ऑसिलेशंस की बात करते थे। तो जो नेचुरल ऑसिलेशंस है वो हमारे पास कब अकर होती है? जब हमारे पास कोई बॉडी हो उसको हम डिस्प्लेस करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ना। हाँ, तो हमारे पास जो ब्लॉक जब हमारे पास अटैच होता है एक स्प्रिंग के साथ, यानी हमारे पास ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम जब होता है तो उसमें जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, जब हमारे पास कोई भी फ्रिक्शन नहीं होते या आप कह सकते कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं होते ना, तो हमारे पास जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास किस चीज के इक्वल होती है? स्क्वायर रूट के डिवाइड बाय एम के। जी सर। जी सर। हाँ, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास, जब हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस होगी, स्मॉल फ्रिक्शनल फोर्सेस, तो हमारे पास जो ओमेगा डैश होगी, ये हमारे पास ओमेगा को हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी से डिनोट करते हैं, और जब कोई भी हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस होगी उसको हम ओमेगा डैश से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा डैश हमारे पास इक्वल होती है स्क्वायर रूट के डिवाइड बाय एम माइनस बी डिवाइड बाय 2m होल स्क्वायर। तो ये बी डिवाइड बाय 2m होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या चीज है?
टू बीटा इक्वल है टू बीटा टू बीटा ओनली बीटा के इक्वल है ओनली बीटा के इक्वल है डिवाइड हो गया क्योंकि बीटा बाय टू बी बाय टू एम होल स्क्वायर है और स्क्वायर रूट भी साथ में है ना ऊपर. अच्छा तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक डिफरेंट सिचुएशन से डील करेंगे. ये बी हमारे पास क्या चीज है यहाँ पे इस फार्मूले में? डैम्पिंग कांस्टेंट. डैम्पिंग कांस्टेंट, वेरी गुड शाजमीना. तो अभी हम एक डिफरेंट सिचुएशन को डील करेंगे जब हमारे पास कोई ऑसिलेटिंग बॉडी होगी. डैम्पिंग कांस्टेंट पीरियडिक एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे पास है उसको उसके साथ उसको क्या करे सब्जेक्ट करे, यानी ठीक है हमारे पास जो पीरियडिक एक्सटर्नल फोर्स है वो एफ पी फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू एफ एम कॉस ओमेगा डबल डैश टी है ना, ये हमारे पास ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. यस सर. तो हमारे पास जो फोर्स ऑसिलेशंस है इसकी हमारे पास डिफिनीशन क्या है कि जब हमारे पास ऑसिलेशंस हो रही हो अंडर द कांस्टेंट पीरियडिक एक्सटर्नल फोर्स, या अगर हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो हमारे पास क्या है पीरियडिक होगी तो उसको हम क्या कहेंगे फिर फोर्स्ड ऑसिलेशंस. इसके जो एग्जांपल्स है हमारे पास वो है मोशन ऑफ स्विंग या ब्रिज वाइब्रेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्चिंग सोल्जर्स, जब सोल्जर्स मार्च करते हैं ना उसकी वजह से जो जब हमारे पास ब्रिज जो है वो वाइब्रेट करता है या सर ये डेफिनेट कर दे सारी फोर्स्ड ऑसिलेशन की कि हमारे पास ऑसिलेशन जब हमारे पास एक कांस्टेंट पीरियडिक एक्सटर्नल फोर्स होगी. एक्सटर्नल फोर्स लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा है था कि एक्सटर्नल फोर्स जो है पीरियडिक फोर्स ये हमारे पास एफ पी एफ टी is equal to fm cos omega double dash t था ना? Yes sir. Yes sir. हाँ, तो जब हमारे पास oscillation होगी और ये जो factor है ये हमारे पास क्या हो constant हो, ये जो force है ये हमारे पास constant हो है होगी तो हमारे पास जो oscillations होगी वो हमारे पास क्या होगी force oscillations होगी. या जिस तरह एयर ड्रम होता है ना किसी भी बंदे का जब वाइब्रेट वो करता है इसकी वजह से जब भी उस पे एक पीरियडिक फोर्स साउंड वेव का उस पे पड़ता है, ठीक है ना. तो जब पीरियडिक फोर्स किसी साउंड वेव का उस पे पड़ता है एयर ड्रम पे तो एयर ड्रम जो है वो क्या करता है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है ना. या जो हमारे पास शेफ्ट होता है मोटर का उसमें जब वो हमारे पास मोटर वाइब्रेट करता है जब हमारे पास जो पीरियडिक फोर्स होगी शेफ्ट की वजह से मोटर की मोटर का जो शेफ्ट होता है उसकी वजह से वो हमारे पास जो है मोटर पे क्या लगाता है फोर्स लगाता है तो उसकी वजह से हमारे पास जो वाइब्रेशन होती है मोटर वाइब्रेट करता है तो ये भी हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशंस के एग्जांपल हैं. अच्छा अभी आप देखें कि हमारे पास हम सपोज करेंगे पहले हमारे पास क्या क्या चीजें थी जब हम पिछला टॉपिक पढ़ रहे थे डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन उसमें हमारे पास जो डिसिपेटिव फोर्सेस थी वो क्या क्या थी पहले डैम्पिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स जो हमारे पास थी ना रिस्टोरिंग तो एक और फोर्स भी हमारे पास अभी एड अप हो जाएगी जो हमारे पास होगी पीरियडिक एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना. इन दो फोर्स के साथ साथ हम एक तीसरा फोर्स भी ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं पीरियडिक एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है. तो एफ पी ऑफ फंक्शन ऑफ टी दिस इज इक्वल टू एफ एम कॉस ओमेगा डबल डैश टी.
एफ टी इसमें क्या है हमारे पास, कांस्टेंट पीरियडिक फोर्स है या हमारे पास एफ एम हमारे पास मैक्सिमम फोर्स है या एम्पलीट्यूड है पीरियडिक फोर्स का, और ओमेगा डबल डैश हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना? यस सर। अभी हम इमेजिन करेंगे कि हमारे पास जो पीरियडिक फोर्स है वो हमारे पास डायरेक्टली अप्लाई करते हैं जब हम ऑसिलेटिंग बॉडी को डैम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन के, ठीक है ना? अभी आप फिगर देख लोगे, ये जो हमारे पास, अच्छा फिगर वो हमारे पास वो जो फिगर था उसमें अगर आप देख ले तो हम डैम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपको याद है फिगर की किस किस तरह था, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? यस सर। जी बताएं। यस सर। सर एक स्प्रिंग था ना, उसके साथ ब्लॉक अटैच था, तो वो वर्टिकल ही था, और उसके साथ फिर ब्लॉक के साथ एक रॉड थी, और रॉड के साथ एक वैन अटैच थी, और उसे हमने लिक्विड में रखा हुआ था कंटेनर में, और सर फिर वो जो लिक्विड था उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा था, तो सर वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा था वैन और रॉड जो थी, और वो दोनों तो थे वो मैसलेस थे, रॉड और वैन जो थे। और हमने स्प्रिंग मास सिस्टम को किस तरह वो किया था, किस सपोर्ट के साथ हमने अटैच किया था? सर रॉड के साथ, रिजिड सपोर्ट के साथ ना। यस सर। जी सर। इसमें अभी हम क्या करेंगे, रिजिड सपोर्ट जो है हम उसको रिप्लेस करेंगे, उसका जो अपर साइड था ना, एक मूवेबल सपोर्ट के साथ, हाँ, और उसको जो है हम जो है अटैच करेंगे जो हमारे पास शेफ्ट ऑफ मोटर है, शेफ्ट ऑफ मोटर जो है इसकी आप अभी आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास जो शेफ्ट ऑफ मोटर है इसकी हमारे पास क्या करेक्टरिस्टिक है। पहले हमारे पास बिल्कुल रिजिड सपोर्ट था ना, अभी शेफ्ट ऑफ मोटर के साथ हम इसको क्या करेंगे, अटैच करेंगे, मतलब ये कि अभी जो हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम होगी वो हमारे पास मूवेबल होगी, ठीक समझ आ रही है ना? यस सर। जी सर। यस सर। पहले तो रिजिड था ना, अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, मूवेबल। तो हमने जो शेफ्ट का मोटर है उसके साथ अभी अटैच किया, तो जो मोटर है वो हमारे पास मूव करेगा जो हमारे पास सपोर्ट है, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वो हमारे पास क्या होगी, ओमेगा डबल डैश उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना? जो ओमेगा है वो हमारे पास क्या है, सिंपल ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हाँ, और ये ओमेगा डबल डैश जो है ये किसकी फ्रीक्वेंसी है अभी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है ना? अभी हम अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, हमारे पास जो नेट फोर्स है वो हमारे पास एम ए की इक्वल है ना? Yes, और अभी हमारे पास हमने बताया कि हमारे पास अभी हमारे पास तीन फोर्सेस होंगी, कौन कौन सी फोर्सेस होंगी, एक डैम्पिंग फोर्स होगी जिसको हम रिटार्डिंग फोर्स भी कहते हैं, दूसरी हमारे पास होगी रिस्टोरिंग फोर्स, और तीसरी हमारे पास क्या होगी, पीरियडिक एक्सटर्नल फोर्स है जो हमारे पास एफ एम कॉस ओमेगा डबल डैश टी के इक्वल है, ठीक है ना? तो ये सारे फोर्सेस को हम एड अप कर लेंगे और इक्वल्स टू एम ए कर लेंगे, ठीक है ना? यस सर। वही जो हमने पहले किया था उसी तरह का है कि एम ए हमारे पास डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर आ जाएगा, बी डी एक्स बाय डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना? जी सर। यस सर। अच्छा फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, b बाय m को हमने यहाँ पे इस तरह किया कि b बाय m को हमने 2 बीटा की इक्वल सपोज किया, k बाय m को हमने ओमेगा स्क्वायर की इक्वल सपोज किया, और f m बाय m जो है हमने इसको g के इक्वल सपोज किया, ताकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास एक
सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन जाए, ठीक है ना, डिफरेंशियल इनहोमोजीनियस इक्वेशन है। आपको पता है होमोजीनियस इक्वेशन क्या होते हैं, इनहोमोजीनियस इक्वेशन क्या होते हैं? जो एक जैसी हो उसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस। अच्छा, और इनहोमोजीनियस क्या होती है? जो एक जैसी ना हो, हेटरोजीनियस हो। हेटरोजीनियस भी कहते हैं, पता नहीं हेटरोजीनियस कहते हैं कि नहीं, लेकिन कह तो सकते हैं वैसे, लेकिन इनहोमोजीनियस ज्यादा यूज होता है ना। ये तो आपका फील्ड है ना, भी ये आपको ज्यादा पता होगा मैथमेटिक्स से सारा। सर सर, जब स्पॉट उसकी वो होगी मूवेबल, तो फिर उसमें ऑसिलेशन होगी, क्योंकि जब ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा तो स्पॉट भी तो डाउनवर्ड करेगी, तो फिर उसमें ऑसिलेशन होगी। ऑसिलेशन क्यों नहीं होगी सर जी? फिर उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर हम एक लेंथ उसकी, फिर सर वो जब ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा तो सर स्पॉट भी मूव करेगी, डिस्टेंस तो एक जितना ही रहेगा ना। नहीं, हम तो ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं ना, ऊपर से फोर्स को कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं ना। ओके सर। अच्छा, अभी हमारे पास, हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक्स एच ऑफ टी जो है, हमारे पास अगर सोल्यूशन हो होमोजीनियस पार्ट के, और जो हमारे पास एक्स आई ऑफ टी जो है वो सोल्यूशन हो हमारे पास इन होमोजीनियस पार्ट के इक्वेशन थ्री के, है ना। ये जो अभी हमने इक्वेशन नंबर थ्री इसको कहा, हमारे पास जो अभी इक्वेशन था ना, तो फिर हमारे पास एक्स ऑफ टी जो हमारे पास एक्स ऑफ टी, हमारे पास एक्स एच ऑफ टी आएगा प्लस एक्स आई ऑफ टी आएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर फोर कहेंगे, ठीक है ना। हमने ये सपोजिशन किया, इसमें बहुत सारी सपोजिशन है, तो हम कहते हैं कि ये जो स्टेट सोल्यूशन इस तरह आएगा, उसमें हम अज्यूम करेंगे कि जो सोल्यूशन है फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश पे और डबल डैश पे ना, जब हम अप्लाई करते हैं साइनोसाइडल फोर्स, तो एक्स एस ऑफ टी जो हमारे पास है, एक्स एस ऑफ टी हमारे पास क्या चीज है अभी? स्टेट सोल्यूशन जो है, तो जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर फाइव जो है, ये इक्वेशन नंबर थ्री को जो है ना, इसको क्या करना चाहिए, जो एक्स एस ऑफ टी जो है ए एस साइन ओमेगा डबल डैश टी प्लस पाई ऑफ एस, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करना है। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री था, जो हमने कहा था कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इनहोमोजीनियस इक्वेशन था ना, तो इक्वेशन नंबर थ्री को किस तरह लिख लिया कि डी स्क्वायर एक्स ऑफ एस बाय डी टी स्क्वायर प्लस टू बीटा डी एक्स एस डिवाइड बाय डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स एस इज इक्वल टू जी कॉस ओमेगा डबल डैश टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी डेरिवेटिव्स ले लेंगे, इन सब का हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है, ठीक है ना। फिर ये जो हमारे पास एक्सपेंड हम करेंगे, ये जो साइन ओमेगा डबल डैश टी प्लस पाई एस है और कॉस ओमेगा डबल डैश टी प्लस पाई एस जो हमारे पास है, ठीक है, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। अच्छा जी सर, सीधी सॉल्यूशन कौन सा होता है? आपने ये वर्ड नहीं सुना है, स्टेडी करंट? जो हमारे पास स्टेडी क्या होता है, जो स्टैटिक होता है, ये कौन कोई कुछ कह रहा है और गिटार की आवाजें आ रही है? ये गिटार की आवाजें किसकी आ रही है सर? माइक तो सबके ऑफ है, लेकिन फिर भी आ रही है ना? यस सर।
अच्छा, तो अभी ये सारा मैथमेटिक्स है, तो मेरे ख्याल में ये सारा मैथमेटिक्स जो है आप खुद कर ले, अगर फिर भी समझना आए तो फिर हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे, ठीक है ना? जो सर, असल बात सर, इक्वेशन 4 से थोड़ा सा समझा दें, वहां से थोड़ी समझ नहीं आई। कहाँ से समझनी है सर? वो इक्वेशन 4 से, ये जो न्यू आपने पेज किया ना, वहां से थोड़ा सा समझा दें। ये जो हमारे पास है x h of t, अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन है, और जो x i t जो है हमारे पास सोल्यूशन है इन होमोजीनियस पार्ट का, इक्वेशन नंबर 3 में है, क्योंकि हमारे पास जो टोटल इक्वेशन है वो तो हमारे पास इन होमोजीनियस है ना जी सर। इसमें एक पार्ट हमारे पास होमोजीनियस पार्ट है और दूसरा पार्ट जो हमारे पास है इन होमोजीनियस पार्ट है। तो हमारे पास जो हमने कहा कि ये x of t जो है ये होमोजीनियस और इनहोमोजीनियस, h होमोजीनियस के लिए हम यूज करते हैं और i जो है इनहोमोजीनियस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना? तो इसको हमने इक्वेशन 4 का, और हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस इक्वेशन नंबर 3 का। ये हमारे पास है। आप लोग इस तरह करें कि ज्यादा डिटेल में इसमें ना जाए, जो हमारे पास करने की चीज है ना उस पे ज्यादा वो करें, कंसंट्रेशन करें, ठीक है ना? ओके सर। तो ये जो आपके पास है ना, ये आप उधर से कर ले फिर, ठीक है? ये जो सारे हमारे पास इसको डिराइव किया हुआ है, ठीक है ना? इसमें ज्यादा जो है ना करने वाली चीजें नहीं है, आप खुद से कर ले, अगर फिर भी समझना है तो फिर हम दोबारा से कर लेंगे, ठीक है ना? फिर हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आता है रेजोनेंस। आप HRW की जो बुक है ना, या HRK जिसके पास जो भी हो, आप उससे भी पढ़ ले, ठीक है? ओके सर। वीकेंड आ रहा है ना, तो वीकेंड पे आप लोग पढ़ ले इसको जरा। फिर हमारे पास रेजोनेंस आता है, तो रेजोनेंस हमारे पास कब अकर होता है? जब हमारे पास एक्सटर्नल अप्लाइड फ्रीक्वेंसी हो, वो हमारे पास इक्वल हो होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, किसी भी बॉडी के जब ऑसिलेट करता है। यानी अगर हमारे पास एक बॉडी होगी ना, तो उसकी कोई ना कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो होगी ना। वो फ्रीक्वेंसी जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फ्रीक्वेंसी की इक्वल आ जाए, तो जो बॉडी है वो फिर ऑसिलेट करेगी लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ। तो जो वैल्यू होगी इस पे रेजोनेंस हमारे पास अकर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमारे पास रेजोनेंस कब होगी? कि जब हमारे पास ओमेगा डबल डैश जो है वो हमारे पास ओमेगा की इक्वल आ जाए, ये जो है ए इसकी इक्वल आ जाए। ओमेगा डबल डैश जब हमारे पास किस चीज की इक्वल आ जाए? ओमेगा के। हाँ, तो हमारे पास क्या होगी इस पे, इस कंडीशन, ये कंडीशन जब हमारे पास होगी? रेजोनेंस अकर होगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 12 था, उसमें हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेटर की, वो हमारे पास बन जाएगी, यानी एम्पलीट्यूड इक्वल आ जाएगी FM डिवाइड बाय G1। ये एक कांस्टेंट है G1, हमने इसके ऊपर पुट किया था, और G1 हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमारे पास ये थी, स्क्वायर रूट एम स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डबल डे स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा डबल डे स्क्वायर, और इस सब के ऊपर स्क्वायर रूट है, ये इसकी इक्वल, ये कांस्टेंट G1 था, हमने इसकी इक्वल पुट किया था ना। तो अभी ये वैल्यूज कहां से आई है? ये हमारे पास G1 की इक्वल थी ना, जब हम वो कैलकुलेशन कर रहे थे। ये आप उधर से पढ़ लोगे ना, तो इधर फिर आपके लिए आसानी होगी।
इसमें हमें सिर्फ ये चाहिए कि जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी सर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना, और जो हमारे पास ओमेगा डैश है वो हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो हमारे पास एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। तो अगर आप इस इक्वेशन में हम एम्पलीट्यूड अभी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अगर हम ओमेगा स्क्वायर जो और ये एफएम हमारे पास क्या है? मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स। तो अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल आ जाए, मतलब ये कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसकी इक्वल आ जाए, तो ये टर्म हमारे पास टोटल जीरो हो जाएगी ना। यस सर। अगर ये जीरो आ जाएगी, और हमने कहा कि क्योंकि हमने कहा था कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो हमारे पास एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल आ जाए, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो हमारे पास बन जाएगी एफ एम डिवाइड बाय स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है ना। तो स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ कट जाएगा, तो एफ एम डिवाइड बाय बी डब्ल्यू हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगी। ये जो इक्वेशन है अभी ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो रिजल्ट हमारे पास आया है, ठीक है ना। ये जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होगी वो हमारे पास एफ एम डिवाइड बाय बी डब्ल्यू के इक्वल है। बी हमारे पास डैम्पिंग है ना, डैम्पिंग कांस्टेंट है हमारे पास। अगर हमारे पास डैम्पिंग नहीं होगी, अगर हम इसकी जीरो रखते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? हमारे पास इन्फिनिटी पे चला जाएगा, लेकिन बी हमारे पास जो है वो कभी भी हमारे पास जीरो नहीं हो सकती, ठीक है ना, बी की वैल्यू। तो जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है ऑसिलेटर की, तो वो हमारे पास कभी भी इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, मैंने आपको नोट्स कहाँ तक भेजे थे? आपको मिल गए हैं ना? यहीं तक आपने जो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अभी आप इस फिगर को देख ले, ये जो फिगर है हमारे पास, अभी यहाँ पे आप देख ले, एक्स एक्सिस पे हमारे पास ओमेगा डबल डैश बाय ओमेगा है, ये रेशो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की ना। सर आपने रेजोनेंस वाले नहीं भेजे नोट्स? यस सर, वो तो नहीं है। कौन से नहीं है? रेजोनेंस वाले। तो रेजोनेंस वाले नहीं भेजे नॉर्थ? नहीं सर। नो सर। अच्छा चलिए, ये अभी आपको सेंड कर दूंगा अभी। फिर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास ये रेशो है हमारे पास ना, ओमेगा डबल डैश डिवाइड बाय ओमेगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, और एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस पे है हमारे पास। अभी आप देख रहे हो ये तीन कर्व्स, ये फर्स्ट कर्व है, ये सेकंड कर्व है, ये हमारे पास थर्ड कर्व है। यस सर। जो हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला कर्व जो है वो हमारे पास है बी वन इज इक्वल टू 50 जी डिवाइड बाय एस। जो हमारे पास बी टू है ये सेकंड कर्व, ये बी टू इज इक्वल टू 2B1 है, और ये जो हमारे पास सबसे कम एम्पलीट्यूड वाला है ये हमारे पास बी थ्री, ये है हमारे पास है 4B1 की इक्वल, ठीक है ना। ये हमारे पास रेशियो है 0.5, 1, 1.5 अप टू 2 तक है, ठीक है। अभी आप इसको देखें कि अगर हमारे पास ओमेगा डबल डैश डिवाइड बाय ओमेगा जो है अगर वो इक्वल टू 1 आता है, तो हमारे पास जो डैम्पिंग होगी वो हमारे पास स्मॉल होंगी। अगर ओमेगा डबल डैश डिवाइड बाय ओमेगा हमारे पास 1 आता है और डैम्पिंग जो हमारे पास होगी वो स्मॉल होगी, तो जो कर्व है वो हमारे पास क्या होगी? शार्प होगी, और एम्पलीट्यूड उसकी क्या होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम।
मैक्सिमम इसको देख रहे हो, ये हमारे पास मैक्सिमम है एम्पलीट्यूड इसकी। फिर दूसरा अगर हमारे पास है, अगर ओमेगा डबल डैश डिवाइड बाय ओमेगा ग्रेटर देन वन हो, वन पे हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो क्या आया है, ज्यादा आया है ना जी सर, ज्यादा मैक्सिमम आया। और ओमेगा डबल डैश डिवाइड बाय ओमेगा अगर ग्रेटर देन वन हो तो हमारे पास डैम्पिंग जो होगी वो हमारे पास इंक्रीज करेगी, और जो एम्पलीट्यूड होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज। हाँ, और जो कम हो कर्व जो हमारे पास बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, वाइडर होगी। ये आप देख रहे हो ना कर्व हमारे पास क्या होती जा रही है, वाइडर होती जा रही है, वाइडर। अच्छा, तो यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 15 था, ये हमारे पास खत्म हो गया ये चैप्टर, ठीक है। अभी हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 16 आपके पास है वेव्स वन, उसका नाम है। फिर जो चैप्टर नंबर 17 है उसका नाम है वेव्स टू, ठीक है ना। क्या नाम है चैप्टर का, वेव्स वन। जी सर। यस सर। तो वेव्स के बारे में पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यस सर। यस सर। यस सर। सर एफएससी में पढ़ा था। अच्छा, व्यूज हमारे पास क्या है, जब हमारे पास कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होगी मीडियम में तो उसको हम क्या कहेंगे, वेव कहेंगे। द डिस्टरबेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम सो दैट वी विल कॉल्ड वेव। ठीक है ना। यस सर। फिर हमारे पास आता है वेव नंबर, ये आपसे कोई पूछ रहा है अटेंडेंस के बारे में, सर ये ठीक से नजर ही नहीं आ रहा है इसमें। हाँ, ये फर्स्ट पेज थोड़ा yes, सा, ये फर्स्ट पेज है ना, इस पे थोड़ा सा लिखा हुआ है ना, तो आप लोग जो है फिर बुक से भी कर ले, मैं आपको फिर क्लियर पिक्चर भी सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। ओके सर। वेव हमारे पास क्या है, डिस्टरबेंस क्रिएटेड इन द मीडियम में, तो हम उसको क्या कहेंगे, वेव कहेंगे ना, वेव। यस सर। अच्छा, फिर हमारे पास वेव नंबर आता है जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आता है हमारे पास, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेव नंबर हमारे पास एक स्पेशियल फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी वेव की। स्पेशियल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्पेशियल हमारे पास रिलेट करते हैं हम किसी भी वेव की पोजीशन को, साइज को, शेप को, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं। स्पेशल फ्रीक्वेंसी यानी वेव नंबर को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। के से हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो जो वेव नंबर होता है वो हमारे पास स्पेशल फ्रीक्वेंसी होता है। यस सर। वेव का, ठीक है ना, वेव नंबर क्या होता है हमारे पास, स्पेशियल फ्रीक्वेंसी होता है वेव का।
और इसको हम मेजर करते हैं साइकिल पर यूनिट डिस्टेंस या रेडियंस पर यूनिट डिस्टेंस से। फिर हमारे पास एक दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टेम्पोरल हमारे पास हम रिलेट करते हैं या लिमिट करते हैं टाइम के साथ। Yes, sir. Yes, sir. किसी भी वेव का, और उसको हम किस तरह वो करते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, टाइम या वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस। समझ आ गई? ये दोबारा से बताऊं? Yes, sir. स्पेशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव मेजर्ड इन साइकिल। आपके सी आर और जी आर को मैंने सेंड कर दी, ये भी आप में से कोई दूर में बैठा होगा तो उसको फिर नजर नहीं आता ना। जी सर अंदर बैठे हुए हैं। सर जी छांव पर भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा अभी आप देखिए जी सर वाइवा होने वाला, तो सर बता दे उसमें मिड का सिलेबस कौन सा शामिल होगा। यस सर, मिड का देखेंगे, मे बी मिड का हो ही ना, सिर्फ फाइनल का आपकी वाइवा में हो। यस सर, यस सर फाइनल का ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है। लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। अच्छा तो मैं आपको बता रहा था कि वेव नंबर जो हमारे पास है के, ये आप देख रहे हो वेव नंबर के, ये कर्सर आपको नजर आ रहा है ना, वेव नंबर के। द वेव नंबर इज द स्पेशियल फ्रीक्वेंसी, स्पेशियल को मैंने फिर एरो किया हुआ है, रिलेटिंग टू पोजिशन साइज शेप एटसेट्रा ऑफ अ वेव मेजर्ड इन साइकिल पर यूनिट डिस्टेंस और रेडियंस पर यूनिट डिस्टेंस। वेयर इज टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी, टेम्पोरल को मैंने फिर एरो किया है, रिलेटेड टू और लिमिटेड बाय टाइम, कैन बी थॉट ऑफ एज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, ठीक है ना सर। इसका क्या मतलब है रिलेटेड बाय टाइम वाला, जो है लिमिटेड बाय टाइम, इन टाइम के साथ। अभी जो है ना ये जो टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी फंक्शन होगी टाइम के साथ जो हमारे पास। ओके सर। हाँ अभी आप देखिए, ये हमारे पास एक वेव है हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास एक वेव है, इसके फोर साइकल्स है, ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है, फोर साइकल्स है ना। यस सर। ये जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर जो वेवलेंथ है लेमडा, ये हमारे पास, अगर हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो टोटल, तो ये लेमडा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर है। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है ना। यस
अच्छा कि हमारे पास 4 साइकल्स और 2 सेंटीमीटर जब होगी हमारे पास के 4 साइकल्स ओवर 2 सेंटीमीटर, तो मतलब ये कि ये हमारे पास के की वैल्यू जो आएगी वो 2 साइकल्स पर सेंटीमीटर आएगी ना। अगर 4 साइकल्स ओवर 2 सेंटीमीटर हमारे पास की वैल्यू होगी तो वो हमारे पास क्या आएगी, 2 साइकल्स पर सेंटीमीटर। अगर के की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर लैम्डा की इक्वल हो, तो मैंने आपको बताया कि लैम्डा हमारे पास किस किस की इक्वल है, 0.5 सेंटीमीटर के ना, तो 1 ओवर 0.5 आ जाएगा। तो 1 ओवर 0.5 से हमारे पास के की जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी, 2 साइकल्स पर सेंटीमीटर, या 2 पर सेंटीमीटर भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि 1 ओवर लैम्डा की हमारे पास क्या यूनिट होता है 1 ओवर लैम्डा का, मीटर पर मीटर लिम्डा हमारे पास पर मीटर या पर सेंटीमीटर होता है, तो के की वैल्यू इनवर्स है तो ये पर सेंटीमीटर या पर मीटर आएगी ना। यस सर। अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स। हमारे पास आप किसी को याद है कितने टाइप्स होती है वेव्स की? सर टू टाइप्स। हमारे पास जो व्यूज की टाइप्स है ना वो हमारे पास 3 है। 3 टाइप्स सर। यस सर 3 टाइप्स। एक हमारे पास मैकेनिकल व्यूज है, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और तीसरी हमारे पास है मैटर वेव्स। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेंगे। क्या क्या है हमारे पास? मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स। हाँ, तो मैकेनिकल वेव्स में हमारे पास वो वेव्स होती है जो हमारे पास, उसके लिए हमारे पास मीडियम जो है वो रिक्वायर होती है कि वो प्रोपेगेट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स। यानी उसमें हमारे लिए किस चीज की जरूरत होगी, मीडियम प्रोपेगेशन के लिए, तो उसको हम कहेंगे मैकेनिकल वेव। हमारे पास जो साउंड वेव्स है, वाटर वेव्स है, या वेव्स अलोंग स्ट्रिंग है, ये हमारे पास एग्जांपल्स है मैकेनिकल वेव्स के। ये जो वेव है ये हमारे पास प्रोपिगेट करते हैं जब हमारे पास मटेरियल पार्टिकल की क्या हो, ऑसिलेशंस हो, ठीक है ना। yes, फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या आते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हमारे पास होती है जिसमें हमारे पास मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोपेगेशन के लिए, ठीक है ना। यस सर। उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो वेव प्रोड्यूस होती है ऑसिलेशन, चार्ज पार्टिकल की ऑसिलेशंस की वजह से, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी वेव जब हमारे पास प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से, चार्ज पार्टिकल की वजह से, जब वो ऑसिलेट करते हैं और वो वेव्स प्रोड्यूस होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जांपल है इसके लाइट वेव्स, हीट वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रा वायलेट वेव्स, या रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये हमारे पास सारे एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। यस सर। ये जो वेव्स है ये हमारे पास प्रोपिगेट करते हैं जब हमारे पास ऑसिलेशन होती है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड्स की। यानी हमारे, हमने अप्लाई किया होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई मैग्नेटिक फील्ड, तो
तो उसकी ऑसिलेशन की वजह से जो हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस होती है वो हम क्या कर क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो वेव्स है हमारे पास, ये हमारे पास वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकते हैं, और जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइंस होती है ना उसके अंदर भी ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास ये वेव्स होती है। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है हमारे पास वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है, और उसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, यानी c इज इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? यस सर, यस सर। आसान है, समझ आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आता है, मीटर वेव्स। क्या हमारे पास आता है? मीटर वेव्स, मीटर वेव्स आता है। जी अवेश, अच्छा बस थोड़ा सा पढ़ते हैं, आप तो बिल्कुल ही अभी निकम्मे हो गए हो, आपसे तो रेगुलर वाली क्लास ज्यादा फ्रेश हो के बेटा करे। तो बस पहली क्लास फ्रेश रहता है सर। हाँ, सारा दिन सर मोबाइल के सामने बैठना होता है, बंदा कहाँ फ्रेश रहता है सर। तो कीनू वगैरह क्या करे ना आप, अभी सरगोधा के बलवाल के किधर के सरगोधा के हैं, वो तो खाते हैं सर जी रोजाना। हाँ तो फिर ठीक है ना, एनर्जी तो आपकी नहीं बढ़ती। एनर्जी तो बनती है, पर अभी तो टाइम नहीं लगता सर, क्लासेस के बाद ही खाएंगे ना। अच्छा, फिर हमारे पास मीटर व्यूज आती है, ये एक ये पढ़ते ये पार्ट थोड़ा सा, और फिर ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ते हैं ना, तो बस काफी है फिर। ये आज के लिए बहुत है। हाँ, आज के लिए काफी है सर। यस सर, काफी है सर जी। नहीं थोड़ा सा पढ़ते हैं, आप रेगुलर वालों से अभी पीछे हो सर, ये टॉपिक कंप्लीट करवा दें। ये जो लड़के हैं ना ये जल्दी बोर हो जाते हैं, और ये फीमेल को आप देख लें। अच्छा, मीटर वेव्स की हम बात करते हैं कि वो वेव्स जो एसोसिएट होती है हमारे पास जब फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हो, तो उसको हम फिर वो वेव्स फास्ट मूविंग पार्टिकल्स के साथ जब एसोसिएट होती है उसके मोशन के साथ, तो हम उसको मीटर वेव्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, या बहुत सारे अदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जब वो मूव करते हैं हाई वेलोसिटीज के साथ तो वो बिहेव करते हैं मीटर वेव्स की तरह। फिर हमारे पास आता है वेव मोशन, की वेव मोशन क्या चीज है, वो मैकेनिज्म जिसमें एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम उसको क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। वेव जो है हमारे पास वेव्स वो ट्रांसफर करती है एनर्जी, लेकिन हमारे पास जो मैटर है वो ट्रांसफर नहीं होता। फिर हमारे पास कंडीशन आती है मीडियम की जिसमें वेव प्रोपिगेट करता है, तो प्रोपिगेशन ऑफ वेव मीडियम में हमारे पास इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो ये कि जो मीडियम है वो इलास्टिक होना चाहिए। सर स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। स्क्रीन शेयर नहीं है आपके साथ? है सर जी, वेव मोशन।
पीछे वाला पेज था। अच्छा तो एक कंडीशन तो ये है कि मीडियम हमारे पास इलास्टिक होना चाहिए, और दूसरा ये है कंडीशन हमारे पास कि जो मीडियम है हमारे पास उसकी इनर्शिया होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास मीडियम के लिए कंडीशन है जब उसमें कोई वेव प्रोपिगेट करती हो, ठीक है ना? यस सर। फिर हमारे पास आता है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं, ठीक है ना? टाइप्स। मैकेनिकल वेव्स के हमारे पास कौन से टाइप्स हैं? ट्रांजिटिव वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा तो ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास क्या होता है कि वो वेव जिसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो हमारे पास डिस्प्लेस होते हैं इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव, यानी जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपिगेट कर रही हो तो जो पार्टिकल्स है मीडियम के वो उसकी क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हम हमारे पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग हो और उसको हम जर्क करें अप एंड डाउन, तो ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास प्रोड्यूस होती है। आप ये देखें हमारे पास ये जो है ये हमारे पास आपका हाथ है सपोज कर ले, और ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, इसको आप जर्क करते हो अप एंड डाउन, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कहें कि ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये जो हमारे पास है डायरेक्शन है प्रोपिगेशन ऑफ वेव की, ठीक है ना? यस सर। तो जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होगी वो प्रोड्यूस होगी, तो जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो क्या करेंगे? मूव करेंगे अप एंड डाउन। ये देखें पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो अप एंड डाउन मूव करेंगे, या आप कह सकते हैं मूव अप एंड डाउन करेंगे वाई एक्सिस में, ना, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। और जो हमारे पास वेव होगी वो हमारे पास क्या होगी? वो एक्स एक्सिस एक्स डायरेक्शन में हमारे पास क्या करेगी? प्रोपिगेट करेगी, ठीक है ना? सर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बता दें। यही है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करेंगे ना, और ये जो हमारे पास वेव है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना? जी सर। ट्रांसवर वेव्स हमारे पास होती है सर, वेलोसिटी भी वेव्स के साथ ही मूव करेगी। नहीं तो किसके साथ मूव करेगी? ये इसकी डायरेक्शन है ना, इसमें इस डायरेक्शन में ये मूव करेगी, इस तरफ जाएगी। ओके सर। अच्छा क्रेस्ट फिर इसमें आता है, क्रेस्ट आता है और ट्रफ आता है। तो जो पोर्शन हमारे पास वेव का वो अबव द मीन पोजीशन हो तो उसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और ट्रफ किसको कहते हैं? बिलो द मीन पोजीशन। तो द पोर्शन ऑफ वेव विच इज बिलो द मीन पोजीशन सो दैट वी विल कॉल ट्रफ, ठीक है ना? जी सर। अभी एक छोटा सा बस पढ़ते हैं वेवलेंथ किसको कहते हैं, बस उसके बाद खत्म करते हैं। ओके सर। वेवलेंथ किसको कहते हैं?
डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड टू ट्रफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, तो हम उसको क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे. और जो डिस्टेंस ऑक्यूपाई करेगा एक क्रस्ट या डिस्टेंस ऑक्यूपाई करेगा एक ट्रफ, तो वो हमारे पास इक्वल होगा लैम्डा बाय टू के. अगर टोटल क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके, एक क्रस्ट एक ट्रफ मिलके लैम्डा बनाता है, या यहां से यहां तक. यहां से यहां तक ये लैम्डा है अगर, तो यहां से यहां तक भी हमारे पास एक लैम्डा है. तो अबव द मीन पोजीशन ये हमारे पास क्रेस्ट है और बिलो द मीन पोजीशन हमारे पास ट्रफ है. अगर ये कंप्लीट हमारे पास लैम्डा है तो एक क्रेस्ट हमारे पास क्या होगा? डिस्टेंस इसका लैम्डा बाय 2 होगा ना. यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाय टू तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा? चले यहाँ तक काफी था. ओके हाँ ओके सर, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. जी सर, ये फाइनल में कितने एमसीक्यूज होंगे? फाइनल में 25. और सर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दें. 30 आपके पहले थे ना? जी सर. 25 आपके होंगे फाइनल. 25 वाइवा कितने हो गए? 80 सर. 50 सर. 80. 25 जो आपका वाइवा होगा ना, वो आपका प्रैक्टिकल का होगा. प्रैक्टिकल प्लस वाइवा. ओके सर. फिर वो भी प्रैक्टिकल होगा क्या? और 20 आपके सेशनल होंगे. सर प्रैक्टिकल तो फिजिकल होना है ना, तो वाइवा भी फिजिकल होगा. वाइवा बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका फिजिकल होगा. वो सर वो वाइवा प्रैक्टिकल में से ही होगा. जी प्रैक्टिकल में से होगा. सर वो प्रैक्टिकल में से होगा. बिल्कुल सर. जी आप कौन से यूनि में पढ़ते रहे हैं? हाँ आप कौन से यूनि में पढ़ते रहे हैं? आप तो अभी कह रहे थे कि हम थक गए हैं. अब सर थोड़े से ऐसे पढ़ाई से थक गया, तो पढ़ पढ़ के सर जी फिजिक्स इतना ज्यादा आज पढ़ा है सर जी. मैं पिशावर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, इसलिए अमेरिका ने इसका नाम सुना है, उधर से पढ़ा हूँ. इस्लामिक कॉलेज पिशावर. हाँ सर, आप चाइना में भी पढ़े हैं सर जी जाके? हाँ वो आपके सर पिक्चर देखी थी फेसबुक पर. अच्छा जी सर, क्या पोज देते हैं सर जी आप. यस ये सर. तो हमारी जवानी थी ना, अभी तो हम बूढ़े हो गए. यस सर. वैसे अब भी सर जी आपकी जो फोटो देखी थी, प्रोफाइल अच्छी आई हुई थी सर. बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन थी. चले सही है. ओके हाँ, अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम.